बनाने का तरीका तो है, कॉन्सेप्ट तो वही है। इंटर्नशिप मिल जाती किसी की वाकफियत हो, सारी कंपनी टेलीकम्युनिकेशन की जो वारंट वगैरह है ओरेकल ही। टेक्सटाइल में भी ओरेकल है, बैंकिंग में भी ओरेकल है, सिकल क्लासेस ज्यादा हो जाता है जिस डिग्री में हाँ, वो है उसका एक यूजर बनाना पड़ता है। कंसर्न कंपनी उनको ये होता है कि अगर ये कोई प्रोडक्ट है वो कोई सेल कर रहे हैं तो फिर कंपनी उसको अपना पार्टनर बना लेती है, तो कुछ प्रॉफिट खुद भी लेती है, उसको भी देती है। अब किस पार्टनर की बात करें, ओरेकल पार्टनर, ओरेकल पार्टनर यही है कि ओरेकल को आपको फीस पे करनी पड़ती है, आप उसके पार्टनर बन जाते हैं तो आप उसके बिहाफ पे तो फिर आप कोर्स वगैरह पढ़ा सकते हैं, जो भी सर्विसेज आप
अति ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपना सेल कर रहे हैं ऑरेकल, यानी कि उनके समझ लें कि वो कोई ऑरेकल की कोई भी प्रोडक्ट है सेल करनी है या आपने कोई सर्विसेज देनी है, तो वो वाया उस पार्टनर के थ्रू वो फिर आपका डेटा उधर भेजेगी ऑरेकल में। किसने कहा था? हाँ, जैसे ऑरेकल के वो बहुत सारे हैं जो कि ऑरेकल इम्प्लीमेंट कर जो करा के देते हैं पार्टनर, उनकी भी जॉब्स आती रहती हैं। अभी आई भी थी उनकी सर्वर से बड़े जो ईआरपी करते हैं। हाँ, आप पार्टनर लिखें ऑरेकल पार्टनर पाकिस्तान। ऑरिजिनल पार्टनर इन पाकिस्तान जी। ये सामने हमारे पास कंसोल आ गया मेन पेज, यहाँ तो आप आ ही जाते हैं इधर आपके पास। मैं तो शायद आप बहुत पीछे हैं। दादा साहब जेल में रहते हैं? अच्छा जी, व्यू क्या होता है? व्हाट इज व्यू? हाँ जी, टेबल पे आप व्यू एक क्वेरी होती है जो कि स्टोर होती है डिक्शनरी के अंदर, तो उस क्वेरी में जो भी आप कॉलम या वेयर फिल्टर लगाओगे उसकी बेस पे क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। व्यू के ऊपर क्यूरी को एक आप एक नाम दे देते हैं, तो वो नेम जो है डेटाबेस में वो क्यूरी के साथ स्टोर हो जाती है। फिर जिस तरह आप टेबल को सिलेक्ट डिलीट इंसर्ट अपडेट करते हो, इसी तरह आप वही ऑपरेशन व्यू के ऊपर आप परफॉर्म करते हो, डिलीट करते हो अपडेट करते हो। ठीक है, तो व्यू जो है एक टेबल पे भी बनाया जा सकता है और मल्टीपल टेबल पर। क्यूरी जिस टाइप की क्यूरी होगी उसी टाइप का क्या होगा आपका व्यू होगा। अगर तो दो या तीन टेबल्स पे है तो आपका कॉम्प्लेक्स व्यू कहलाएगा। जो कॉम्प्लेक्स व्यू पे टेबल परफॉर्म नहीं होती, जो व्यू एक जिस व्यू के अंदर जो क्यूरी यूज हो रही है उसमें अगर एक टेबल यूज हो रहा है फ्रॉम में, तो फिर वो सिंपल व्यू कहलाएगा और सिंपल व्यू के ऊपर सिलेक्शन डिलीशन ऑपरेशन। जो काम टेबल पे करते हैं वही काम व्यू पे कर सकते हैं, लेकिन अगर सिंपल व्यू है फिर वो सारे काम जो टेबल पे किए जा सकते हैं वही। शर्त यह है कि वो टेबल भी सिंगल व्यू पे होना, सिंगल टेबल पे होना चाहिए। अगर आपने सिंगल टेबल भी यूज कर लिया और उसके अंदर क्यूरी के अंदर आपने ग्रुप बाय सम फंक्शन सुडो कॉलम यूज कर लिए, तब भी वो आपका कॉम्प्लेक्स व्यू ही कहलाएगा। सिंपल व्यू ऐसा हो कि जिसमें कॉलम्स हो, सिंपल वेयर हो और फ्रॉम हो और एक कंडीशन हो, जिसमें कोई ग्रुप फंक्शन का इस्तेमाल ना हो, तो फिर आप ऐसे व्यू के ऊपर डीएमएल वगैरह परफॉर्म कर सकते हो। अब व्यू यहाँ पे कैसे बनाना है, सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन पेज पे आ जाए और यहाँ पे नजर आ रहा है आपको व्यूज ऑब्जेक्ट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। व्यू कहाँ बनाना है? जो पहले बने हुए सर्च किए जा सकते हैं, लेकिन अभी मुझे नया बनाना है उसका नाम मुझे देना है M30 व्यू। कहाँ बनाना है मुझे? स्पॉट। ठीक है, अब टेक्स्ट क्यूरी टेक्स्ट एग्जाम्पल देना है
ई नेम लेना, जॉब देना है, सेल लेना है, डिपार्टमेंट नंबर लेना है फ्रॉम ई एम पी, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 30। ऑप्शंस में आ जाए, फोर्स व्यू क्या होता है, अगर ई एम पी का टेबल पहले एग्जिस्ट नहीं करता तो तब भी आप व्यू बना सकते हैं। क्रिएट या रिप्लेस यू इवन बेस टेबल या इवन लैप ऑफ, या तो आपके पास टेबल पे राइट्स नहीं है या वो टेबल मौजूद ही नहीं है, तो तब आप इसको चेक करके व्यू बना सकते हैं, लेकिन वो व्यू उसमें एरर होगा। तो बताया था फोर्स व्यू क्या होता है, एक नो फोर्स बायड फॉर जो व्यू बनता है वो क्या होता है, नो फोर्स व्यू। फोर्स व्यू पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, अगर टेबल वगैरह वो एग्जिस्ट नहीं भी करते तो वो व्यू को क्रिएट कर देगा, ठीक है। अगर ये है व्यू पे अरे सेक्शन के रीड ओनली व्यू बनाना है कि फिर चेक ऑप्शन, रीड ओनली भी चेक ऑप्शन, अगर अगर रीड ओनली बनाएंगे तो सिर्फ उस पर खाली क्या होगा, उसमें रीड ओनली होगा, उसमें इंसर्ट आप डिलीट अलाउड नहीं होगा। हाँ जी, अगर रीड ओनली व्यू बनाएंगे तो उसमें से खाली व्यू होगा, इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन नहीं होगा। और अगर मैं कहता हूँ कि चेक ऑप्शन ओनली, क्या मीन होगा कि जब आप इंसर्ट करेंगे अपडेट करेंगे तो वो एग्जिस्टिंग जो कंडीशन आपने दी है ना उसको चेक करेगा, यानी कि व्यू के अंदर जब रिकॉर्ड एंटर होगा सिर्फ 30 का एंटर हो सकता है या 30 का रिकॉर्ड अपडेट हो सकता है। अगर मैं ये नहीं कहता ऑप्शन के साथ विद चेक ऑप्शन, तो उससे क्या होगा, अनचेक कर दूंगा तो फिर वो ये जो मैंने लगाई रिस्ट्रिक्शन वो अप्लाई नहीं होगा, यानी कि वो अगर आपने बेशक व्यू आपने नाम उसका दे दिया 30 पे, लेकिन उसमें जो डेटा एंटर होगा वो 40 का भी एंटर हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने रिस्ट्रिक्ट व्यू बनाना है यानी कि विद चेक ऑप्शन, तो उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, यानी कि एम 30 स्ट्रेंट का नाम जो आप चेक लगा रहे हैं यहाँ पे दोनों में से, उसका कोई ना कोई नाम आप दे सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट व्यू है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सिंपल ये अभी जो मैंने व्यू बनाया जनरल व्यू का नाम दिया है, यहाँ पे बनेगा। अगर पहले से बना हुआ तो उसको रिप्लेस कर दो, अभी फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, मैंने कि फिर क्रिएट और रिप्लेस करते हैं। ऑप्शंस मैंने बता दिया कि विद चेक ऑप्शन उसका नेम जो है 30, और आप ये देखें तो इसकी ये उसने बनाया जो क्रिएट व्यू, ये नाम है, ये क्यूरी अंदर और विद चेक ऑप्शन और कंस्ट्रेंट का नाम दे, जो आपने कंस्ट्रेंट लगाया चेक ऑप्शन का एक नाम दे जिसका नाम क्या है। तो ये व्यू आपका बन गया है, इसको ओके करेंगे तो भी सोचते ये व्यू क्रिएट हो गया वैलिड स्टेटस, ठीक है। ये आप व्यू कर रहे हैं कि ये व्यू है, ठीक है। आप उसको चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि क्यूरी को मॉडिफाई कर सकते हैं, चाहते हैं कि इसके अंदर एक और कॉलम ऐड हो जाए जॉब के बाद हायर डेट, तो क्या हो जाएगा, व्यू मॉडिफाई हो जाएगा। अब चूंकि व्यू मॉडिफाई होगा, कंपाइल करेंगे तो
इसमें वो क्या कर देगा, हायर डेट के इन बार नंबर ऑफ कॉलम नेम स्पेसिफाई, नहीं हायर डेट इनवैलिड कॉलम नेम, हायर डेट ये एलियस, यहाँ पर गलती पड़ रही है। ये देखें नीचे कॉलम्स आपने दिए हैं, ऊपर यहाँ कॉलम ने दिया, उसको फिर डिलीट कर दें, ख़त्म कर दें, ताकि दोबारा से सारे उस तक करें। तो वो अगर आप ऊपर देते हैं नेम सपोज, अब यहाँ एम नंबर आ रहा है, आप चाहते हैं यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे एम अंडरस्कोर नंबर हो जाए, ऊपर ई नेम हो जाए, जॉब हो जाए, आई डेट हो जाए, सैलरी हो जाए और डिपार्टमेंट नंबर हो जाए, आपने ऊपर अपने नंबर नेम देने हैं कॉलम, ठीक है। ये व्यू आपका मॉडिफाई हो गया। अच्छा ये व्यू जो मैंने बनाया है, टोटल अगर मैं चाहूँ कि स्पॉट में कितने व्यू बने हुए हैं, तो सर्च करने से एक ही व्यू बना हुआ है। अब इस व्यू के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, व्यू को आप रिकम्पाइल कर सकते हैं, व्यू के ऊपर आप ट्रिगर लगा सकते हैं, व्यू के ऊपर आप सरनेम बना सकते हैं, इसका स्क्रिप्ट दोबारा से आप जनरेट कर सकते हैं, ये सारा वो दोबारा से कोड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर आप राइट्स दे सकते हैं, इस व्यू के अंदर कौन कौन से टेबल यूज हो रहे हैं, डिपेंडेंसीज किन किन पे डिपेंड कर रहा है व्यू, एम जो ये जो व्यू है किन किन पे डिपेंड कर रहा है, M30 इन इन टेबल्स पे, ये तो डिपेंडेंसीज है, डिपेंडेंट्स जो है वो ये कोई भी नहीं है, अच्छा। उसके बाद डेटा व्यू कर सकते हैं जो 30 का, ठीक है। अगर आपने क्यूरी को रिफाइन करना है कि सारे कॉलम चाहिए मुझे, इसमें से ये नहीं चाहिए, वेयर जिसका सैलरी, क्योंकि कॉलम नेम यहाँ पर सैलरी है ना, तो ग्रेटर देन क्या हो, 2000 हो, ठीक है जी। ये रिकॉर्ड आ गए, तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे व्यू बनाना है और कैसे उसका डेटा देखें, टॉपिक कंप्लीट व्यू। अभी मैंने व्यू जो मैंने बनाया था सिंगल लेवल बनाया था, इस व्यू में एग्जांपल ये है कि वो दो टेबल को यूज कर रहा है, लोकेशन को और कंट्रीज को, इनको ज्वाइन करके व्यू बना रहा है। वो आगे व्यू बनाने का सारा बता रहा है कि उसका शो एसू करा के आप कोड देख सकते हैं। ठीक है व्यू बन गया। अगला जो टॉपिक है वो सीक्वेंस, सीक्वेंस में आपको क्या होता है, सीक्वेंस एक नंबर होता है जो ऑटो नंबर जनरेट करता है, सीक्वेंस इज अ मैकेनिज्म फॉर ऑटोमेटिकली जो है जनरेटिंग इंटीजर दैट फॉलो अ पैटर्न, 1 2 3 4 ऑटो नंबर जनरेट करता है। सीक्वेंस का एक नाम होता है जिसको जब आप यूज करते हैं वो रेफरेंस करते हैं, सीक्वेंस जो है ना तो किसी टेबल या कॉलम के लिए बनाया, पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर ही बनता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, आप किसी भी सीक्वेंस को आप बनाएंगे किसी भी टेबल में यूज कर सकते हैं, किसी एक टेबल या कॉलम को फिक्स नहीं कर सकते। वो कह रहा है कि सीक्वेंस नॉट एसोसिएटेड विद एनी पर्टिकुलर टेबल या कॉलम। अच्छा सीक्वेंस का जो ऑर्डर है वो प्रोग्रेस जो हो सकता है, सीक्वेंस जो ग्रो कर सकता है, एक असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, दूसरा डिसेंडिंग, असेंडिंग 1 2 3 और डिसेंडिंग आप उसमें डिक्रीज कर सकते हैं। अच्छा द इंटरवल बिटवीन नंबर्स कैन एनी ऑफ द, जो इंटरवल है सीक्वेंस एक के बाद दो, दो के बाद तीन, यानी कि एक के बाद तीन, तीन के बाद पाँच, कितना गैप, कितना इंटरवल, वो आप कोई भी एनी साइज आप दे सकते हैं। सीक्वेंस की लिमिट साइकिल होता है, साइकिल और दो साइकिल होता है,
तो सीक्वेंस कैन साइकिल व्हेन लिमिट इज रीच्ड, यानी कि जब लिमिट तक, सब सपोज मैंने कहा सीक्वेंस की मैक्स वैल्यू है 50, तो 50 तक जब खत्म होगा तो दोबारा अगर साइकिल नहीं हुआ तो दोबारा सीक्वेंस वहां से स्टार्ट हो जाएगा। अगर पाई दफा साइकिल नो होता है जिसके 50 पे आकर रुक जाएगा, एरर सीक्वेंस मजीद करी आगे नंबर जनरेट नहीं करेगा। सीक्वेंस बनाना कैसे है ये अब आगे तरीकाकार बता रहा है। सीक्वेंस को फिर यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले सीक्वेंस को बनाना कैसे है, यहाँ पे आप आ जाएं एडमिनिस्ट्रेशन पेज के अंदर, और जहाँ से आप गए थे व्यू वहाँ पे क्या आ जाएं सीक्वेंस पे। सीक्वेंस पे आके नया सीक्वेंस, अगर आप देखें तो स्कॉट में कोई सीक्वेंस पहले बना हुआ है तो आप सर्च कर सकते हैं स्कॉट में कोई सीक्वेंस पहले नहीं बना हुआ, मुझे नया क्रिएट करना। सीक्वेंस का नाम आ गया कोई भी, सपोज आप कह दें एम्प अंडर स्कोर एस सी क्यू। सीक्वेंस कहाँ बनाना है, स्कॉट में बनाना, ठीक है। सीक्वेंस की मैक्स वैल्यू कितनी है आप कह देते हैं 50, ठीक है। इसकी सीक्वेंस की मिन वैल्यू कितनी है 1, 1 मिन के अगर सीक्वेंस करके मैं साइकिल रखूँगा तो दोबारा सीक्वेंस स्टार्ट कहाँ से होगा 1 से। इंटरवल सीक्वेंस का 1, सीक्वेंस स्टार्ट कहाँ से होगा 1, ठीक है। और सीक्वेंस साइकिल वैल्यू जब सीक्वेंस लिमिट तक पहुंचेगा तो क्या करेगा उसको 1 से दोबारा जनरेट हो जाएगा, मैंने कहा साइकिल वैल्यू। ऑर्डर वैल्यू सीक्वेंस नंबर विल बी जनरेटेड इन ऑर्डर, सीक्वेंस जो है वो आपके ऑर्डर पे जनरेट होंगे 1 2 3 4, ठीक है, ऑर्डर कह देता हूँ, ठीक है। और यूज कैशे जी, इसका ये है कि वो एक स्टोरेज जो जब आप नंबर स्टोर करेगा तो ऑर्डर में करेगा। अच्छा मैं कहता हूँ कैशे ऑप्शन 20, कैशे साइज 20, कैशे क्या होता है कि वो 20 नंबर अगर आपने रखा है तो 20 नंबर जब सीक्वेंस वेरी फर्स्ट कॉल पड़ेगी तो 20 नंबर उठा के मेमोरी में ले जाएगा, और जब सीक्वेंस को जब दोबारा जब वो 20 नंबर पूरे खत्म होंगे फिर 20 नंबर और उठा लेगा, ठीक है। तो इसका आप देखें शो एसक्यू करके, तो ये देखें, ठीक है, वो इसने उसके सारी साइकिल कहा है, ऑर्डर में कहा है, साइकिल भी दोबारा से दोबारा खत्म हो दोबारा ऑर्डर, और कैशे 20, मैक्स वैल्यू मिन वैल्यू इंक्रीमेंट बाय स्टार्ट विद बाय।